देखिए मैंने एक कपड़ा लेता हूँ, ये चलाया और ये कट किया, इजीली कट हो गया, चलाया कट किया, इजीली कट हो गया, चलाया कट किया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। आज हम जानेंगे कि जैक A2S में धागा क्यों टूटता है और हमें इसमें कौन सा धागा यूज करना चाहिए। तो जैसा कि हम पहले इसमें धागा यूज करते थे मून का, तो मून का धागा अभी काफी ज्यादा बकवास आने लगा है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि मून का धागा अभी बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बना के बता दूं, क्योंकि मैं बहुत दिन से एक धागा यूज कर रहा हूं, तो मुझे वो धागा मून से बेटर लगा। और ऐसा नहीं है कि वो धागा, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है या फिर मुझे पेड प्रमोशन करना पड़ा है कि धागा मुझे फ्री में दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत परेशानी आ रही थी मून के धागे में, तो मैं सोच रहा था कि मार्केट में कोई मून से अच्छा धागा मिल जाए, जैसे कि हम पहले धागा यूज करते थे मून का ये वाला। तो इसमें क्या होता था कि बहुत अच्छा धागा आता था, पर अब क्या होने लगा, इसमें रेशे बहुत ज्यादा आने लगे हैं। तो रेशे आने के कारण हमारी मशीन में ये बराबर काम नहीं कर रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जो हमारी इंडस्ट्रियल मशीन है, इसमें ये धागा यूज करने में बहुत दिक्कत आ रही है, ये बार बार टूट जा रहा है। और हमारा दूसरा जो ये धागा आता है स्पीड पॉली का, ये धागा तो हमें मिल जाता है मगर सब कलर में नहीं मिलता है, तो इसमें एक ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो इसमें हम क्या करें, मजबूरन हमें ये धागा चलाना पड़ता था, तो हमने किया इसे साइड में। अब हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया धागा, जो कि है सूर्या प्लस का। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका डब्बा मून के धागे से सस्ता है और धागा बहुत अच्छा है। मतलब इसका धागा हमें मेजर मतलब 30-40 रुपए महंगा मिलता है और इसका धागा 30-40 रुपए कम में मिलता है, पर धागा साइज वगैरह सब सेम है। इसमें भी 135 मीटर है और इसमें भी 135 मीटर है, मगर जो ये धागा है ये बहुत स्मूथ चल रहा है। मैं ये हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा ये धागा यूज करो, फिलहाल में मार्केट में ये धागा बहुत अच्छा चल रहा है। और हमें मार्केट से भी कुछ लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है हमारी मशीन पे कौन सा धागा अच्छा चले। तो ये धागे तो मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो चलो हम लगा लेते हैं मशीन पे ये वाला धागा फटाक से, ये वाला। तो दोस्तों मैंने पहले ही ये धागा भर के रख लिया है, नहीं तो आप बोलोगे कि मैंने धागा कौन सा लगा के रखा है। ये देखिए मैंने ये धागा इसलिए मशीन में पहले से भर के रखा है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो देखिए ये वही धागा है सूर्या प्लस का, तो इसे लगा दिया हमने। अब हम इसे चलाकर देखते हैं। तो देखिए मैंने कपड़ा लेता हूं, ये चलाया और ये कट किया, इजीली कट हो गया, चलाया कट किया, इजीली कट हो गया, चलाया कट किया। तो देखिए 3 बार तो मैंने इसको लगातार कट किया, चलाया कट किया, चलाया, तो ये धागा नहीं निकला। फिर से देखते हैं, चलाया कट किया, चलाया कट किया, फिर से चलाया कट किया। ये देखिए कहीं से कहीं तक के, और मैंने डबल कपड़ा चलाया ना कि सिंगल कपड़ा, क्योंकि हम डबल कपड़ा ही चलाते हैं। अब मैं 4 फोल्ड कर लेता हूँ कि 4 फोल्ड पे प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा है। ये देखिए 4 फोल्ड पे भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और ये धागा ज्यादा नहीं टूटता है। आप एक बार यूज करिए, ऐसा नहीं मार्केट से जाना, एक धागा ही लाना और एक ही धागा चलाकर मशीन पर देखना, जो भी हमारी इंडस्ट्रियल मशीन है उस पे ये धागा सिर्फ एक ही लाना और चला कर देखना, आपको सच में क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। और मून के धागे में जिस तरीके से अभी टूटने की समस्या आ रही है, उस कारण से शायद से कंपनी ने इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तो वो दे नहीं रहे हैं, तो हमें धागा ही चेंज करना चाहिए। तो सूर्या प्लस का धागा हमने लगाया है। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही किसी वीडियो में मिलते हैं, जब तक ले बाय बाय।